हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 4 सब्जेक्ट जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके एक इंपॉर्टेंट एंड पीपल एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो होगा एनवायरमेंटल स्कैनिंग से रिलेटेड। जानेंगे कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, तो डिटेल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। एंड वीडियो के एंड तक दैट इज़ माई गारंटी कि सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस इज़ बेसिकली द पार्ट 4 ऑफ द यूनिट 1 डिस्कशन। यूनिट 1 जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड बाकी के पार्ट्स के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपने चैनल पर पहली बार ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे मत भूलिएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा हमारा जो मिशन है दैट इज़ 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और मेरी तरफ से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आप भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। और वीडियो में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो के साथ साथ जो भी हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं आपको याद करते हुए चलना है। और एग्ज़ाम टाइम पे आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, कहीं भी कोई पॉइंट मिस हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपको सारे पॉइंट्स मेमोराइज हो जाएं। ये आपको कंसीडर करके चलना है, अपना एम बनाकर चलना है, जिससे कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले पॉइंट के साथ में, विच सेज बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, natural factors, international factors, technological and many other factors operating at micro as well as macro levels। तो गाइस बात करूँ एक बिज़नेस एनवायरनमेंट की, तो बिज़नेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, बिज़नेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? वो फैक्टर्स आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि एक बिज़नेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। वो फैक्टर्स सोशो कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि आपकी सोसाइटी भी आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट कर सकती है। क्या कल्चर फॉलो हो रहा है जिस कंट्री में आप बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी आपके बिज़नेस पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। नाउ बात करें पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये भी आपके बिज़नेस एनवायरनमेंट का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। नेक्स्ट वी डू हैव द लीगल फैक्टर्स। किस तरह के लीगल फैक्टर्स हैं आपके कंट्री में जहाँ पर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है बिज़नेस एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट वी डू हैव द नेचुरल फैक्टर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कोविड-19, ये भी बेसिकली एक नेचुरल पेंडेमिक है। ठीक है, आप जिसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं, तो नेचुरल फैक्टर्स भी बिज़नेस एनवायरनमेंट को कई तरह से इम्पैक्ट करते हैं। नाउ बात करेंगे, कई सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं एंड इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं और कई सारे और फैक्टर्स हैं जो कि माइक्रो यानी कि स्मॉल लेवल पर एंड मैक्रो यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर या फिर ग्लोबल लेवल पर क्या करते हैं, आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं। सो आई एम श्योर कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड एंड डिस्कस द सेकेंड पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ ऑन द स्क्रीन विच सेज द इमीडिएट कंसर्न ऑफ बिजनेस इज़ टू आइडेंटिफाई दैट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट विच इज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस टू इट। दिस पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड रेलिवेंट एनवायरनमेंट। ओके, तो गाइज एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बात करें एक कंपनी जो कि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो होता है उससे डील करती है, तो उसका इमीडिएट कंसर्न होता है अपने उस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना जो कि उसके स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई रिपीट, एक बिज़नेस का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है कि वो जिस भी एनवायरनमेंट में है उस एनवायरनमेंट के उस पार्ट को आइडेंटिफाई करे जो कि उसके स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस यानी कि उसकी सक्सेस एंड उसके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे बिज़नेस एनवायरनमेंट के पार्ट को हम बोलते हैं रेलेवेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो पार्ट उसके स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम बोलेंगे इररेलेवेंट एनवायरनमेंट। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा रेलेवेंट एनवायरनमेंट जो कि स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस के तौर पर क्या करेगा, एक बिज़नेस को बहुत इम्पोर्टेंस रखेगा। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ द इररेलेवेंट एनवायरनमेंट, जो कि हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो किसी भी बिज़नेस की अगर हम बात करें तो उसका इमीडिएट कंसर्न होता है अपने एनवायरनमेंट के उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना जो कि उसके स्ट्रेटजिक रेलेवेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम जानते हैं रेलेवेंट एनवायरनमेंट के नाम से। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ लेट अस टॉक विद अ डायग्राम अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट एनवायरनमेंट। क्लियर कर लेते हैं कि रेलेवेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, आपको याद हो जाना चाहिए। सो रेलेवेंट एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट which is strategically important for the success and survival of a business organization। ठीक है, तो किसी भी business organization की success and survival के लिए वो business environment का part जो कि strategically important होता है कहलाता है relevant environment। I repeat, relevant environment is that part of the business environment which is strategically important for the success and survival of a business organization। तो इस पॉइंट को याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमारा जो मेन टॉपिक है एनवायरमेंटल स्कैनिंग उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट एंड आई एम श्योर कि यू हैव रिमेंबर्ड द पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हम जानेंगे कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। ठीक है, तो नाउ आई विल गिव यू द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। लेट्स मेमोराइज दैट एंड विल टॉक अबाउट द सेकंड डेफिनेशन दैट आई हैव इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो सबसे पहली डेफिनेशन एनवायरमेंटल स्कैनिंग की आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनाइजेशंस closely and thoroughly monitor their relevant environment to identify the opportunities that could benefit them and the threats that should be avoided is known as environmental scanning or environmental analysis or environmental appraisal। ठीक है, तो environmental scanning को हम environmental analysis के नाम से भी जानते हैं, environmental appraisal के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस अपने रेलेवेंट एनवायरनमेंट को, आई रिपीट, रेलेवेंट एनवायरनमेंट जो होता है उसको क्लोजली एंड थॉरोली मॉनिटर करते हैं, जिससे कि पता लगा सकें कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि उसका वो बेनिफिट ले सके, या फिर कौन कौन से नए थ्रेट्स हैं जो कि फ्यूचर में उन्हें फेस करने पड़ेंगे ताकि वो उनको अवॉइड कर सके या उनको फेस कर सके फ्यूचर में और उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सके। तो ऐसी प्रोसेस को हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं या फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस या फिर एनवायरमेंटल अप्रेजल। ओके, तो याद कर लीजिए डेफिनेशन, एक बार रिपीट कर लेते हैं। The process by which the organizations closely and thoroughly monitor their relevant environment to identify the opportunities that could benefit them and the threats that should be avoided is known as environmental scanning or environmental analysis or environmental appraisal। Okay? तो आई एम श्योर कि ये सिंपल डेफिनेशन आपको याद हो चुकी होगी और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो दिस डेफिनेशन शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पढ़ लीजिए एक बार। हमने 2 बार रिपीट कर लिया है और जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था आपको, वीडियो के साथ साथ याद करते हुए चलना है। पॉज कर लीजिए याद करने में अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि याद हो जाए अभी ये डेफिनेशन। सो मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पर। तो अब हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में डिस्कस करेंगे सेकेंड डेफिनेशन फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। Okay, so environmental scanning is the process of gathering information about events and their relationships within an organization's internal and external environments. The basic purpose of environmental scanning is to help the management to determine the future direction of the organization। तो environmental scanning क्या है? एक ऐसी process जिसके through हम events की information gather करते हैं और उसके रिलेशनशिप को क्या करते हैं, जानते हैं या फिर उनकी रिलेशनशिप को हम एनालाइज करते हैं विद दी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। और इसका जो पर्पस होता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का जो पर्पस होता है, वो पर्पस होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को उनका फ्यूचर डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि किस तरीके से फ्यूचर में उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहिए। तो मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्मेशन एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू पता चलती है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं अबाउट द इवेंट्स और उन इवेंट्स का क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट से। तो इन सभी की इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू, यानी कि एनवायरनमेंट को इस तरीके से स्कैन करते हैं जिससे कि जो फ्यूचर इवेंट्स होंगे उनके बारे में हमें पता चले और उनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम एनालाइज करते हैं। और इसका पर्पस होता है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है उनको किस तरीके से फ्यूचर में अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करना है वो पता चला लगाया जा सके। तो दैट इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ डूइंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ओके, तो इस डेफिनेशन को भी याद कर लीजिए, एक लास्ट टाइम हम इसको रिपीट करते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स। The basic purpose of environmental scanning is to help the management to determine the future direction of the organization. तो guys repeat करने का purpose एक ही है ताकि points आपको याद हो जाएं। Otherwise अगर आप एक बार में याद कर पाते हैं points को तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपको अगर memorize नहीं होते points तो I would suggest कि 3 से 4 बार repeat कीजिए अपने उन points को and फिर एक बार बिना देखे try कीजिए, आपको याद हो जाएंगे points। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी उन स्टूडेंट्स को जिनकी लर्निंग स्किल्स थोड़ी स्लो है, लेकिन आई गारंटी 1 महीने तक अगर आपने प्रैक्टिस करी तो आपकी जो लर्निंग स्किल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, हैबिट बना लीजिए, आप भी किसी से कम नहीं हो। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक डायग्राम के थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द रेलेवेंट बिजनेस एनवायरमेंट to identify the opportunities that could benefit the business or to identify the threats that must be avoided in the business. तो environmental scanning एक basically process है जिसके through हम अपने relevant business environment को monitor करते हैं, जिससे कि हम environment में available opportunities या फिर future opportunities जो आएंगी उनको identify करके उनका benefit उठा सके। Otherwise जो दूसरा पर्पस है जिसके लिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है वो है आने वाले थ्रेट्स या जो अवेलेबल थ्रेट्स हैं एनवायरमेंट में उनको आइडेंटिफाई करके अवॉइड किया जा सके बिजनेस में। सो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पसेस ड्यू टू विच एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज डन, ठीक है। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल एनालिसिस और एनवायरमेंटल अप्रेजल। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग को हम एनवायरमेंटल एनालिसिस और एनवायरमेंटल अप्रेजल के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेपर में इस तरीके के आप डायग्राम्स बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं याद आ रहे एग्ज़ाम में तो इस तरीके के डायग्राम्स आप बना लीजिएगा, फ्लो चार्ट के टाइप के डायग्राम्स, जिससे कि एग्ज़ामिनर को आप प्रेजेंट टेबल दिखा सके अपना आंसर और थोड़े मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकें। ओके, नाउ बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड का पॉइंट नंबर 1 इज़ ऑन द स्क्रीन विच सेज द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग कंसिस्ट ऑफ ट्रेसिंग द सोर्स ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एंड ब्रेक देम इनटू पार्ट्स सो एज टू एग्जामिन इट्स नेचर एंड इंटर रिलेशनशिप। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या करती है, आपके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स अवेलेबल होते हैं उनके सोर्स को ट्रेस करती है, यानी कि आइडेंटिफाई करती है और फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनके नेचर और उसके इंटर रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू क्या होता है, बेसिकली जो भी सोर्स होती है अपॉर्चुनिटी या थ्रेट की उसको ट्रेस किया जाता है, फिर उनको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है जिससे कि उसके नेचर और उसके इंटर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया जा सके। नाउ इट इज़ फ्रॉम सच एनालिसिस दैट द मैनेजमेंट इज़ इन अ पोजीशन टू डिसाइड वेदर टू रिएक्ट, इग्नोर, ट्राई टू इन्फ्लुएंस और एंटिसिपेट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स डिस्कवर्ड। तो गाइज एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू ही मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो एक ऐसी पोजीशन में होता है जिससे कि वो डिसीजन ले पाता है कि जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या थ्रेट्स हैं उन पर रिएक्ट किया जाए, उनको इग्नोर किया जाए या किसी तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया जाए या फिर थोड़ा सा और एनालिसिस किया जाए और अपनी जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो डिस्कवर किए हैं उनको और अच्छे से एंटिसिपेट किया जाए। तो ये डिसीजन मैनेजमेंट तभी ले पाता है जब एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाएगी। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग की प्रोसेस के थ्रू जो मैनेजमेंट होता है वो आपके इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजन ले पाते हैं और कोई भी सिचुएशन यानी कि कोई भी फ्यूचर थ्रेट्स या फिर अपॉर्चुनिटी आती है तो उस पर प्रॉपर्ली रिएक्ट कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी यूज़लेस है या थ्रेट नहीं आपका पॉसिबिलिटी है किसी भी तरह की उसके आने की तो उसको इग्नोर किया जाता है। कई केसेस में आपका इन्फ्लुएंस भी किया जाता है उन अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर थ्रेट्स को, और अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो और ज़्यादा एनालिसिस करके जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं उनको और अच्छे से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इट इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस एंड सर्वाइवल इन टुडेज़ कंडीशन। अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान ना दें अपने बिजनेस को तो आप देख सकते हैं देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर अवेलेबल बिगर इन साइज़ स्ट्रॉन्गर इन साइज़, तो वो क्या करेंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस को टेक ओवर भी कर सकते हैं एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल इन इंडिया। तो इस चीज़ का वी हैव टू कंसीडर एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग इट इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट नो डाउट। नाउ एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज़ द फंडामेंटल स्टेप इन दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो जो हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस होती है जिसमें स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं तो उसका सबसे फंडामेंटल यानी कि बेसिक स्टेप होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है? एक फंडामेंटल स्टेप है किसकी? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की फंडामेंटल स्टेप कौन सी है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए? उसकी एक फंडामेंटल स्टेप। दैट इज समथिंग विच वी हैव टू रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज एम्ड एट आइडेंटिफाइंग द की वेरिएबल्स दैट ऑफर एक्शनेबल रिस्पॉन्सेज। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू क्या होता है, आपको की वेरिएबल्स या फिर की फैक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनका पर्पस होता है कि आप उन पर किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई एक्शन लें। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू जो भी वेरिएबल्स फाइंड आउट किए जाते हैं वो आपके एक्शनेबल रेस्पॉन्सेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब उन एक्शनेबल रेस्पॉन्सेज पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी वो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के डिसीजन पर। Now the organization should be able to respond either offensively or defensively to these key variables by formulating strategies that take advantage of external opportunities or that minimize the impact of potential threats. तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, या तो ऑफेंसिवली रेस्पॉन्ड करेगी अपने उनकी वेरिएबल्स पर या की फैक्टर्स पर, या फिर डिफेंसिवली करेगी और जो भी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी उनका पूरा एडवांटेज लिया जाएगा बाय फॉर्मुलेटिंग द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़। और अगर कोई भी पोटेंशियल थ्रेट अगर आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करने का पूरा ध्यान रखा जाएगा मैनेजमेंट के थ्रू। तो दिस इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना, अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू आप कैश आउट करेंगे, एंड अगर कोई थ्रेट है तो किस तरीके से उसको मिनिमाइज़ करेंगे। बट प्रॉब्लम अगर आपको पता ही नहीं होगी तो कैसे आप उस पर वर्क करेंगे। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ डन थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंट को स्कैन करके पता लगाना क्या सही हो रहा है, क्या आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है, क्या नुकसान है। दैट इज़ व्हाट यू कैन फाइंड आउट और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइंड आउट थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा टॉपिक फिनिश होता है। आई एम श्योर कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपको। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक कीजिएगा एंड आगे वीडियोस में लाता रहूँगा इस तरह की, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को और मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।